दोस्तों नमस्कार। आज हमारे साथ में इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष श्री अरविंद त्रिवेदी जी मौजूद हैं। आज सर, आज 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है और उन आज के दिन उन लोगों को याद किया जाता है जो दिवंगत हो गए हैं और फील्ड में काम कर रहे हैं। भारत में पत्रकारिता करना वैसे भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य माना जाता है। आज आपका संदेश उन लोगों के लिए क्या है जो फील्ड में काम कर रहे हैं, खासकर इस कोरोना काल में अपने जान दांव पर लगाकर काम कर रहे हैं? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मेरी मीडिया के सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रजातंत्र में मीडिया को चौथा स्तंभ माना गया है और जिस शिद्दत के साथ हमारे साथी काम करते हैं और जिन संघर्षों का सामना वो काम करने के दौरान करते हैं, उसके लिए उनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। हिंदुस्तान में मीडिया के प्रति लोगों की बहुत श्रद्धा है, आस्था है और वे मानते हैं कि उनका वो काम या उनकी वो समस्या जो कहीं निराकृत नहीं हो पा रही है वो मीडिया के माध्यम से हो सकती है। मित्रों, ये बहुत कठिन दौर है। दूसरी बार हम कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहे हैं। पहली बार पिछले साल इसी अवधि में हमने यह लहर देखी थी और इस बार वापस हम कोरोना का सामना कर रहे हैं। बहुत कठिन परिस्थितियां हैं और इन कठिन परिस्थितियों में वे तमाम साथी साधुवाद के पात्र हैं जो 16 से 18 घंटे 20 घंटे फील्ड में काम कर रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं, आधे अधूरे संसाधनों के दम पे काम कर रहे हैं। जितनी मदद हम एक प्रेस पत्रकारों की प्रतिनिधि संस्था होने के कारण के नाते इंदौर प्रेस क्लब कर सकता है, हम पत्रकार साथियों की उतनी मदद कर रहे हैं, लेकिन हमें मालूम है कि इसके बावजूद ये बहुत एक छोटा सा योगदान है हमारा, इसके बावजूद वो बहुत संघर्ष के साथ मैदान में काम कर रहे हैं। जो साथी अखबार के दफ्तरों में काम कर रहे हैं वो भी किन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं हमें मालूम है कि बहुत कठिन दौर है। इसमें सतर्क रहें, सावधान रहें। हम हमेशा प्रेस की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। इस पिछले साल 3 मई से लेकर अभी तक जो साथी इस दौर में दिवंगत हुए हैं उन्हें मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और प्रेस की यह स्वतंत्रता अक्षुण रहे यही कामना करता हूं।